हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, कृष्णा ने अपने टिकटॉक आईडी पे एक वीडियो अपलोड किया है और मैं देख रहा हूँ इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ रहे हैं। आपको पता भी होगा कृष्णा के फैंस फॉलोवर 12 मिलियन से, और वो जितने वीडियो अपलोड करते हैं सारे के सारे वीडियो उनका वायरल होता है और ये साउंड भी टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगता है। तो आप इस साउंड पर अगर इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने काइंड मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ बताता हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइंड मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और स्ट्रैक्ट आईडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आईडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और वीडियो को आपको प्ले करना है। 3.2 सेकेंड पर आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। सेकेंड वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो मैंने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और आपको देखना है वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो मैंने कैसे शूट किया। तो यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट टॉप प्ले हिट कर देंगे। अगेन वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था। तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो को शूट करना है। इस पोजीशन में आना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया था। तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा यहाँ पे शूट हो चुका है। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट करना है। तो मैंने सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे मैंने शूट किया हूँ। इस पोजिशन में आना है, देख सकते हैं हमारा वीडियो सेकेंड पार्ट का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट टॉप प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद वीडियो को फिर से आगे तक प्ले आना है और आपको देख लेना है कहां से आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है उसे आपको ट्रिम टू लेफ्ट कर सकते हैं। अगेन वीडियो को आगे तक प्ले कराना है और आपको इस पोजीशन तक आपको वीडियो ले कराना है सेकंड पार्ट को। इसके बाद इसे हम स्पीड टू प्ले करते हैं। इस वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, इसे आपको स्लो मोशन करना है। स्पीड कंट्रोल पे आना है, आपको 0.5 कर देना है। इसके बाद मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो आपको स्लो मोशन में हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन हो गया तो आपको यहाँ पे 0.5 रहने देना है, ठीक है। इसके बाद डन करेंगे। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ और इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ। तो आप देख भी सकते हैं हमने कुछ इस तरह से शूट किया हूँ। आगे तक प्ले कराना है, आपको थर्ड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है, ध्यान रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो को कैसे शूट कर लेना है। तो मैंने थर्ड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। अगेन मैं आपको प्ले करता हूं तो आप देख सकते हैं वीडियो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया हूं। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पोजिशन पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें ट्रिम टू राइट कर देना है क्योंकि वीडियो हमें यहाँ पर 13 सेकेंड तक का ही चाहिए। तो आपको वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है तो सबसे पहले रिमूव कर देना है। अब मैं फाइनली प्ले करता हूँ। जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये वीडियो कृष्णा ने फिलहाल में ही अपलोड किया है। तो आप भी बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। जिस भी पार्ट को आपको स्लो मोशन करना है तो सिंपल मैं इस पार्ट को स्लो मोशन करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है, 0.5 कर देना है। तो इस तरह से आपको वीडियो आप दिखाता हूँ मैं आपको एक बार प्ले कर तो आप देख सकते हैं स्लो मोशन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको पाउडर इफेक्ट वगैरह ऐड करना है तो आप बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हैं। इस पोजिशन में आता हूँ, लेयर पर आना है, इसके बाद ओवरले पे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फॉग इफेक्ट का, सिंपल क्लिक करना है और इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है,
ठीक है, रोटेट मैं करता हूँ इसको, इसे आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो होगा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपको कहाँ तक रखना है और ध्यान रखना है, इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है उसे ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, ओपेसिटी को मैं हल्का कम कर देता हूँ। अब देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर साउंड भी ऐड कर चुका हूँ। सेटिंग पे क्लिक करना है, आईडी फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।